नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल YMW सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप महानगर गैस लिमिटेड का CNG स्टेशन कैसे ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल जानकारी दिया है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए नए वीडियो है बिजनेस और फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम लोग कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। महानगर गैस लिमिटेड जो कंपनी है, वो इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये जो कंपनी है, ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। और अगर हम लोग इस कंपनी के हेडक्वार्टर की बात करें, तो इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये जो कंपनी है, अपना फुटप्रिंट जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सटेंड करना चाहती है। इसलिए कंपनी जो है आप लोगों को सीएनजी का रिटेल आउटलेट ओपन करने के लिए डीलरशिप आप लोगों को प्रोवाइड करी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का सीएनजी स्टेशन ओपन करना चाहते हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले यहां पे देखेंगे कि अगर आपको महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का सीएनजी स्टेशन ओपन करना है, तो इसके लिए कंपनी की तरफ से आपके लिए क्या बेसिक क्राइटेरिया बनाया गया है। यहाँ पे जो सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया है, जो भी एप्लीकेंट यहाँ पे महानगर गैस लिमिटेड का सीएनजी डीलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसका जो नेशनलिटी है वो इंडियन होना चाहिए, और उस एप्लीकेंट का जो एज है मिनिमम जो है 21 साल होना चाहिए। उसके बाद उस एप्लीकेंट का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मिनिमम जो है 12वीं पास होना चाहिए। देन उसके बाद जो है उस एप्लीकेंट के पास में 1 करोड़ तक जो है फाइनेंशियली कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास में मिनिमम जो है 750 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 6000 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, जिसका फ्रंट जो है 25 मीटर से 45 मीटर का होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये सारे बेसिक क्राइटेरिया है, तभी जो है आप महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का आप सीएनजी स्टेशन आप ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहां पे देखने वाले हैं कि अगर आपको महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का सीएनजी स्टेशन ओपन करना है, तो इसके लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। फ्रेंड्स, यहां पे अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, तो यहां पे आपको 2 तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट लगता है, एंड जो दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगता है। फ्रेंड्स, अगर पर्सनल डॉक्यूमेंट में बात करें, तो यहां सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपको एज प्रूफ लगने वाला है। एज प्रूफ में जो है आप एजुकेशन सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, या पैन कार्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का यहाँ पे आईडी प्रूफ दे सकते हैं। आईडी प्रूफ में यहाँ पे जो है आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कंपनी को लास्ट 3 ईयर का आईटी रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न का आपको कॉपी यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, तो यहाँ पे आपको फॉर्म 16 जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि एप्लीकेंट का नेट वर्थ यानी कि कुल संपत्ति कितना का है, वो किसी भी CSA सर्टिफाइड करके जो है आपको कंपनी को देना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है एप्लीकेंट का 2 पासपोर्ट साइज का यहाँ पे फोटो लगेगा। देन उसके बाद एप्लीकेंट का यहाँ पे सिविल स्कोर का भी रिक्वायरमेंट रहेगा। देन उसके बाद आपका जिस बैंक में सेविंग या करेंट अकाउंट होगा, तो आपको लास्ट 6 मंथ का आपके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके बाद एप्लीकेंट जहाँ तक भी पढ़ा लिखा होगा, उस एप्लीकेंट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहाँ पे सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लैंड का डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है लैंड में, तो आपको प्रॉपर्टी कार्ड या यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका म्यूटेशन का जो कॉपी रहता है वो कंपनी को देना पड़ता है। उसके बाद जो है आपके लोकल म्यूनसिपल ऑफिस से यहाँ पे डाइवर्जन प्लान जो है आपके सिटी का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका लैंड खुद का है, तो यहाँ पे आपको ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आपने लैंड को लीज भी लिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको लीज डीड का कॉपी आपको कंपनी को देना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप जो भी लैंड एरिया आप लीज पे लेंगे, आपको मिनिमम जो है 29 साल 11 महीने के लिए आपको लीज पे लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका प्रॉपर्टी का कोई भी लेटेस्ट टैक्स का कॉपी होगा, तो आपको टैक्स का कॉपी यहाँ पे कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो है जो भी लैंड ओनर होगा, उसके फेवर में जो है एप्लीकेंट को 200 स्टैम्प पेपर पे जो है एक डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे कंपनी को प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ये जो डिक्लेरेशन है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है आपको मिलता है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। उसके बाद जहाँ पे भी आपका लैंड एरिया होगा, उस लैंड एरिया का फ्रंट और रियर साइड से जो है आपको फोटोग्राफ्स जो है कंपनी को देना पड़ता है। उसके बाद अगर आपका लैंड एरिया अगर आपके पूरे फैमिली मेंबर का है, तो यहाँ पे जो है आपको कंसेंट लेटर का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो भी आपका कंसेंट लेटर रहेगा, वो आपका इंडिविजुअल भी यहाँ पे बनेगा। तो फ्रेंड्स, मेनली आपको यही सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट और लैंड डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, जब भी आप महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का डीलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस सीएनजी स्टेशन को ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे जो सबसे पहला लाइसेंस है आपको पेसो डिपार्टमेंट से यहाँ पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद आपका लैंड एरिया अगर एग्रीकल्चर लैंड में अगर फॉल करता है, तो आपको पहले नॉन एग्रीकल्चर लैंड में जो है आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी आपको चेंज इन लैंड यूज डिपार्टमेंट से आपको NOC लेना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है आपको चीफ फायर ऑफिस से भी जो है आपको NOC लेना पड़ेगा। उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप सीएनजी रिटेल आउटलेट ओपन करना चाहते हैं, तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस से जो है आपको NOC लेना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी आपको NOC लेना पड़ेगा,
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से भी आपको यहाँ पे एनओसी लेना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपका एरिया स्टेट पीडब्ल्यूडी में फॉल करता है तो यहाँ पे आपको स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से भी आपको एनओसी लेने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आपका स्टेट हाईवे अथॉरिटी या नेशनल हाईवे अथॉरिटी में अगर एरिया फॉल करता है तो आपको यहाँ पे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जो है आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको तहसीलदार और यहाँ पे ग्राम पंचायत से भी जो है आपको एनओसी लेने पड़ते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी रिस्पेक्टिव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगा वहाँ से भी जो है आपको कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है। देन उसके बाद जो है आपको वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट से यानी कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट से यहाँ पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे फैक्ट्री लाइसेंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स मेनली जो है आपको यही सारे लाइसेंस की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप यहाँ पे महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का रिटेल आउटलेट आप ओपन करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे अगर आप महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का अगर सीएनजी स्टेशन ओपन करना चाहते हैं तो यहां पे महानगर गैस लिमिटेड जो कंपनी है आप लोगों को कितने प्रकार के बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है सीएनजी स्टेशन ओपन करने के लिए ऑफर करती है। फ्रेंड्स यहां पे देख रहे हैं महानगर गैस लिमिटेड जो कंपनी है आप लोगों को चार तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्रोवाइड करती है। यहां पे देख रहे जो सबसे पहला मॉडल है उसको मॉडल ए बोलते हैं, एंड जो दूसरा मॉडल है उसको मॉडल बी बोलते हैं, एंड जो तीसरा है उसको मॉडल सी बोलते हैं, एंड जो लास्ट है उसको मॉडल डी टू बोलते हैं यानी कि डीलर ऑन डीलर ऑपरेटेड विथ लीज। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग महानगर गैस लिमिटेड के ये चारों मॉडल के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग पहला मॉडल देखें मॉडल ए, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास में लैंड एरिया खुद का है तो फ्रेंड्स आप अपने लैंड एरिया को आप यहाँ पे महानगर गैस लिमिटेड कंपनी को आप लीज पे देखें आप मंथली रेंट जो है आप अपने एरिया का अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके और कंपनी के बीच में एक लीज एग्रीमेंट साइन होता है। ये जो लीज पीरियड रहेगा आपका 29 साल 11 महीना के लिए रहेगा। फ्रेंड्स इस लैंड एरिया पर जो है कंपनी अपना पैसा खर्च करके जो है सीएनजी रिटेल आउटलेट जो है सेटअप करेगी और उस सीएनजी रिटेल आउटलेट को चलाने के लिए यहां पे कंपनी थर्ड पार्टी को हायर करती है। यानी फ्रेंड्स यहां पे जो है एक अलग से जो है ऑपरेटर कंपनी हायर करती है उस सीएनजी रिटेल आउटलेट को चलाने के लिए, और यहां पे जो भी थर्ड पार्टी को हायर करती है तो उस थर्ड पार्टी को जो है यहां पे सेल बेसिस पे जो है प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कंपनी शेयर करती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर आप मॉडल ए के अंदर आप महानगर गैस लिमिटेड कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पे कंपनी और यहाँ पे ऑपरेटर का क्या स्कोप रहने वाला है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी स्टेचुरी परमिशन रहेंगे उस सीएनजी रिटेल आउटलेट को चलाने के लिए वो सारा जो परमिशन है कंपनी अपने पैसे खर्च करके यहाँ पे लेने वाली है। और यहाँ पे देख रहे हैं जितना भी सिविल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क होगा सीएनजी रिटेल आउटलेट में तो ये सारा जो खर्च है ये कंपनी ही खुद से करने वाली है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना भी सीएनजी इक्विपमेंट लगेगा जैसे कंप्रेसर हुआ, डिस्पेंसर हुआ, कैस्केड हुआ, तो ये सारे का इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जो है ये कंपनी ही खुद करके देने वाली है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि सीएनजी रिटेल आउटलेट को चलाने के लिए तो यहाँ पे कंपनी खुद से सिलेक्शन और अपॉइंट करती है थर्ड पार्टी को। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि उस लैंड एरिया पे कौन से प्रकार का वहाँ पे सीएनजी स्टेशन ओपन होगा ये कंपनी डिसाइड करके देने वाली है। यानी कि यहाँ पे डॉटर बूस्टर सीएनजी स्टेशन ओपन होगा या ऑनलाइन सीएनजी स्टेशन होगा या मदर सीएनजी स्टेशन होगा ये जो है कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी वहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे टाइप ऑफ जो है सीएनजी स्टेशन ओपन करके आपको देने वाली है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना भी उस सीएनजी रिटेल आउटलेट में जो भी पावर का वहाँ पे कंजप्शन होगा, जो भी मंथली बिल आएगा, वो सारा चीज़ जो है यहाँ पे कंपनी पेमेंट करने वाली है। देन उसके बाद वहाँ पे जो भी मेन पावर काम करेंगे वो सारे मेन पावर को कंपनी यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेटर का क्या यहाँ पे रोल रहने वाला है। यानी कि जो भी थर्ड पार्टी को यहाँ पे कंपनी हायर करेगी उस सीएनजी रिटेल आउटलेट को चलाने के लिए तो उसका क्या रोल रहने वाला है। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑफ मेन पावर यानी कि जो भी मेन पावर वहाँ पे काम करेंगे वो ऑपरेटर के पेरोल पे काम करेंगे। उसके बाद आपके सीएनजी रिटेल आउटलेट का जो भी सेल्स प्रमोशन होगा ये सारा सेल्स प्रमोशन जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी को करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी मेन पावर वहाँ पे सीएनजी स्टेशन में काम करेंगे वो सारे मेन पावर का जो यूनिफॉर्म है यहाँ पे ऑपरेटर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मॉडल बी के अंदर जो है आपको किस प्रकार के बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे महानगर गैस लिमिटेड आप लोगों को प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट यहाँ पे सीएनजी रिटेल आउटलेट महानगर गैस लिमिटेड का ओपन करना चाहते हैं यहाँ पे वो एप्लीकेंट जो है ऑपरेटरशिप के लिए भी जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप ऑपरेटरशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके और कंपनी के बीच में 15 साल का जो है एक एग्रीमेंट साइन होता है। यानी कि आपको अपना लैंड एरिया को जो है कंपनी को 15 साल के लिए लीज पे आपको देना पड़ेगा और यहाँ पे कंपनी जो है आपको पर मंथ जो है आपके लैंड एरिया का रेंट भी आपको प्रोवाइड करेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका लैंड एरिया अगर आपने खुद लीज पे लिया है तो यहाँ पे जो है आप अपने लीज एरिया को कंपनी को आप सब लीज पे भी आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसी के हिसाब से यहाँ पे जो है कंपनी आपको प्रॉफिट मार्जिन आपको पर केजी सीएनजी के सेल पे आपको प्रोवाइड करती है। यानी कि आप जिस लोकेशन पे सीएनजी स्टेशन आप ओपन करना चाहते हैं
उस एरिया में सीएनजी का कैसा सेल है उसी के हिसाब से कंपनी यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन आपके साथ शेयर करती है, और उसी के हिसाब से जो है आपके लैंड एरिया का लीज रेंट जो है डिसाइड किया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, अगर आप मॉडल बी के अंदर अगर आप सीएनजी स्टेशन महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का आप चलाते हैं तो यहाँ पे स्कोप जो है यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप इसको जो है अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे। मैं इस पीडीएफ का लिंक जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पूरा डिटेल को चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद जो है मैं आपको मॉडल सी के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप मॉडल सी के अंदर महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का सीएनजी रिटेल आउटलेट ओपन करते हैं तो यहां पे जो भी मैंने आपको मॉडल बी के अंदर बताया वो सारा प्रोसेस जो है आपका सेम रहेगा। बस यहां पे जो भी एप्लीकेंट इस डीलरशिप को रन करना चाहता है उस एप्लीकेंट को यहां पे पूरा रिस्पांसिबिलिटी लेना पड़ेगा सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क का। यानी फ्रेंड्स, मॉडल सी के अंदर जो है आप डीलर ऑन कंपनी ऑपरेटेड के अंदर जो है आप सीएनजी रिटेल आउटलेट जो है आप ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहां पे डीलर ऑन डीलर ऑपरेटेड के अंदर अगर आपको महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का सीएनजी स्टेशन ओपन करना है तो उसके लिए जो है आपको मॉडल D2 का जो है आपको यहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है आपको चूज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस मॉडल के अंदर भी जो है अगर आपके पास में लैंड एरिया है तो आपको 15 साल के लिए जो है कंपनी को आपको लीज पे देना पड़ता है अपने लैंड एरिया को। मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे अगर आप महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का सीएनजी स्टेशन ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहां पे महानगर गैस लिमिटेड जो कंपनी है आप लोगों को जितने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है मॉडल ए से लेकर मॉडल डी तक, तो इसके लिए जो है आपको 50 लाख से लेकर आपको 1.5 करोड़ तक जो है आपको इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। फ्रेंड्स, यहां पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉडल का महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का सीएनजी स्टेशन आप ओपन करना चाहते हैं, तो उसी पे जो है यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वैरी करेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे महानगर गैस लिमिटेड जो कंपनी है आपको पर केजी सीएनजी के सेल पे आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको शेयर करती है। फ्रेंड्स, यहां पे महानगर गैस लिमिटेड जो कंपनी है आपको 1.80 रुपये से लेकर आपको 3 रुपये के बीच में जो है यहां पे आपको प्रॉफिट मार्जिन पर केजी सीएनजी के सेल पे आपको प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, यहां पे जो प्रॉफिट मार्जिन है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉडल का महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का सीएनजी स्टेशन जो है आपने ओपन किया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे अगर आप महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का अगर सीएनजी रिटेल आउट डीलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपके लोकल एरिया का जो भी न्यूज़पेपर होगा तो आपको अपना न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे कंपनी जो है समय समय पे अपना विज्ञापन निकालती है सीएनजी रिटेल आउटलेट ओपन करने के लिए। और इसके अलावा जो है आपको कंपनी के वेबसाइट पे भी जो है आपको समय समय पे विजिट करना पड़ेगा, वहां पे भी जो है आपको कंपनी का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा कि किस किस लोकेशन के लिए कंपनी जो है अपना सीएनजी रिटेल आउटलेट के लिए विज्ञापन निकालती है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि यहां पे आपको पूरी जानकारी मिल गया होगा अगर आपको महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का सीएनजी स्टेशन ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूले, ताकि फ्रेंड जिन लोगों को नहीं पता है कि वो महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का सीएनजी स्टेशन कैसे ओपन कर सके उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय।